तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो एक बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर बताने वाला हूं जिसमें आप फ्री फायर गेम को इजीली अपने 2GB और 4GB रैम वाले पीसी में प्ले कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको जो मोमो प्लेयर का एक लाइट एमुलेटर बताने वाला हूं जो कि आपके लो एंड पीसी में इजीली चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको जो यहाँ पर एमुलेटर को कैसे इंस्टॉल करना है एंड इसमें फ्री फायर गेम को कैसे सेटअप करना है, इसकी की मैपिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप जो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एमुलेटर का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना। नाउ डाउनलोड कर लेने के बाद क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एमुलेटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जो एक जिप फाइल होगी तो आपको जो इसे अनजिप कर लेना है। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। नाउ एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो ये इसका एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एमुलेटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पीकर का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो अब आपको क्या करने के, यहाँ पर आपको ये कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ये फाइल लोकेशन मिल जाएगा। ये जो बाय डिफॉल्ट आपके लोकल ड्राइव सी में इंस्टॉल होगा एंड अगर आप इसे और किसी फाइल लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप जो यहाँ से फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो। नाउ फाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर ये इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है एमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जो है कुछ ही सेकंड में ये एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पर ये एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप पर इसके दो शॉर्टकट आ जाएंगे, एक इसकी लॉन्चर फाइल होगी और एक इसकी मल्टी इंस्टेंस वाली फाइल होगी। तो अब आपको क्या करने के, यहाँ पर आपको लॉन्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से जो है एमुलेटर को लॉन्च कर लेना है। तो यहाँ पर जो है एमुलेटर ओपन हो जाएगा एंड कुछ इस प्रकार से आपको जो इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एंड फर्स्ट टाइम आप जब इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है ओपन होने में टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। ये जो यहाँ पर 1 से 2 मिनट में ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एमुलेटर ओपन हो चुका है। नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एमुलेटर की लैंग्वेज को चेंज करना है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेटिंग का मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है सेटिंग ओपन हो जाएंगी एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको जो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट में आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। नाउ उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एमुलेटर को रीस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो ही एमुलेटर इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ही एमुलेटर इंग्लिश लैंग्वेज में हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा, आपको जो सेटिंग को फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि आपके पीसी में जो है एमुलेटर एकदम स्मूथली चलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर सेटिंग को फॉलो करना है। नाउ इतना सेटिंग कर लेने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एपीके का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड जहाँ पर भी आपने फ्री फायर गेम की एपीके फाइल को डाउनलोड कर रखा है आपको सिंपली यहाँ पर एपीके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है एपीके फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जो है एपीके फाइल इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एमुलेटर की सेटिंग कर लेनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इसकी सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएंगी एंड यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आप जो यहाँ पर अपने पीसी के हिसाब से कोई भी एक रेजोल्यूशन रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो आपको क्या करना है कि कस्टमाइज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको 900x600 रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। ये रेजोल्यूशन जो है लो एंड पीसी के लिए एकदम बेस्ट है एंड डीपीआई में आपको यहाँ पर 240 डीपीआई रख लेना है। उसके बाद सीपीयू कोर में अगर आपके पीसी में 2 कोर है तो आप जो यहाँ पर 1 कोर सेलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद रैम में हम जो है यहाँ पर 2GB रैम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बाकी जो सेटिंग है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे वैसे रहने देंगे। नाउ उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके यहाँ से जो है एमुलेटर को रिस्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी एंड एमुलेटर को रिस्टार्ट कर लेने के बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे कि हम जो इसमें फ्री फायर गेम को प्ले कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको जो यहाँ पर गेम को ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है गेम ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड फेल्ड एरर वगैरह इस एमुलेटर में जो है देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो है इजिली गेम ओपन हो जाएगा। तो चलिए फिर, जब तक यहाँ पर एक गेम ओपन हो रहा है तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर फ्री फायर गेम की मैपिंग भी कर लेनी है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर सेटिंग में जाना एंड यहाँ पर कंट्रोल में एंड यहाँ से कस्टम एचयूडी को ओपन कर लेना। एंड उसके बाद अब आपको क्या करने के, यहाँ पर आपको एक की मैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर की मैपिंग ओपन हो जाएंगी। एंड अब आपको क्या करने के, आपको जो यहाँ पर की मैपिंग कर लेनी है। तो आपको जो यहाँ पर ये पहला बटन मिलेगा AWDS वाला, आपको जो इस वाले बटन को यहाँ पर ये जो स्टिक वाले बटन के ऊपर रख देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला बटन माउस को लॉक अनलॉक करने वाला मिल जाएगा, तो आपको इस वाले बटन को यहाँ पर ऐसे रख देना है। यहाँ पर माउस को लॉक अनलॉक करने के लिए आप जो यहाँ पर कोई भी बटन ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन ऐड कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर ये फायर वाला बटन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस वाले बटन को यहाँ पर फायर वाले बटन के ऊपर रख देना है। नाउ उसके बाद बाकी जो की है उसको आप जैसे मर्जी अपने हिसाब से रखना चाहते हो आप जो यहाँ पर रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं जो यहाँ पर जल्दी से की मैपिंग कर लेता हूँ। नाउ की मैपिंग कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से जो की मैपिंग को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर जो है की मैपिंग सेव हो जाएंगी एंड अब आप जो इसमें इजिली फ्री फायर गेम को प्ले कर सकते हो। यहाँ पर जो है की मैपिंग हो चुकी है। एंड अगर आपके पीसी में यहाँ पर एक गेम लैग करता है तो आप सिंपली क्या करना है कि आप जो यहाँ पर सेटिंग में जाना एंड डिस्प्ले में जाना एंड यहाँ पर आप इसे स्मूथ और नॉर्मल पर गेम को प्ले करना, तो यहाँ पर जो गेम लैग नहीं करेगा। एंड अब आप जो इसमें इजिली गेम को प्ले कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।